गाइज वेलकम और वेलकम बैक टू माई चैनल। मैं हूँ परवीन और एक बार फिर से मैं आप लोग के लिए लेकर के आ गई हूँ मीशो के वेस्टर्न वियर का हॉल। इसके पहले भी मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था मीशो का वेस्टर्न वियर का हॉल, जो कि आप लोगों ने बहुत ज़्यादा पसंद किया है। तो फिर उसी से थोड़ा सा मैं मोटिवेट होकर के और भी ज़्यादा आप लोग के लिए लेकर के आ रही हूँ मीशो का वेस्टर्न वियर, जिसमें कि टॉप ड्रेसेस वगैरह होते हैं, जंप सूट होते हैं। तो आज है आपके लिए ड्रेसेस का हॉल। इसके पहले जो मैंने आप लोगों के साथ हॉल शेयर किया हुआ है, उसका मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप देखना चाहें तो वहाँ से जा करके देख सकते हैं। और ये जो सारे ड्रेसेस हैं, इनका कोड आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। और अगर वीडियो आप देखने के बाद अगर आपको लगता है कि हाँ ये मेरे लिए हेल्पफुल है, मेरी परचेज में मुझे मदद करता है, वीडियो अच्छा है, तो इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं पहले ड्रेस के साथ। ये है ब्लू कलर की, ब्लू एंड वाइट में ये टाई डाई के इफ़ेक्ट में है। ये जॉर्जेट इसकी फैब्रिक है, बहुत ही स्मूथ है, बहुत ज़्यादा हेवी वाली जॉर्जेट नहीं है, लाइट वेट जॉर्जेट है, आराम से कंफर्टेबल भी आप कभी भी पहन सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं रफल्स बने हुए हैं नेक के पास, दोनों साइड में ऐसे रफल आपको मिल जाता है। ये कॉलर नेक मिलती है, बैक साइड में कॉलर स्टैंड कॉलर बनी हुई है और यहाँ पे फ्रंट पे नेक के साथ आपको इस तरह से टाई करने के लिए डोरी मिल जाती है। कमर पे भी आपको इस तरह से इलास्टिक लगी हुई मिल जाती है, जो आपकी वेस्ट पे अच्छे से फिट कर देती है इसे। इसकी जो स्लीव है ये है फुल स्लीव और इलास्टिक यहाँ पे अगेन लगी हुई है, जिसकी वजह से ये रफल और पफ जैसा फुला फुला सा लुक आता है, तो बहुत ही प्यारा लगता है। इसकी क्वालिटी मुझे पसंद आई और इसके साथ ही मिला है ये स्लिप, वाइट कलर की स्लिप है ये, क्योंकि जॉर्जेट फैब्रिक है तो हल्की सी ट्रांसपेरेंट होती है, तो इस वजह से उन्होंने साथ में स्लिप प्रोवाइड की है। ये मुझे काफ़ी अच्छी बात लगी कि अलग से आपको परचेज करने की ज़रूरत नहीं है, उन्होंने साथ ही साथ में दिया हुआ है। इसकी क्वालिटी भी ठीक है और ये तो मुझे कलर इसका बहुत प्यारा लगा, जो कलर का इसका कॉम्बिनेशन है बहुत ही प्यारा लगा मुझे। इस इमेज वगैरह मैं साथ में लगा दिया करूँगी, जिससे कि आपको पता चल जाए कि इसका ओवरऑल लुक कैसा है या रेफरेंस आपको समझ में आ जाएगा। बहुत प्यारा है ये, इसकी प्राइस आई थिंक 468 रुपीज़ की है, तो वर्थ बाइंग है। क्वालिटी वगैरह अच्छी है, प्राइस भी अच्छी है, तो मेरी तरफ से ये रिकमेंडेड है, आप इसे लेना चाहें तो ले सकती हैं। इसके बाद है नेक्स्ट मेरे पास ये वाइट कलर की ड्रेस शर्ट है, ये कॉलर देखिए, कॉलर है यहाँ पे, आपको कॉलर मिल जाती है, साथ ही साथ ऐसे आपको पूरा नीचे तक बटन मिल जाता है, काफ़ी अच्छी लेंथ की है। मुझे तो ये काफ लेंथ तक आ रही थी, मेरी हाइट थोड़ी कम है इस वजह से। इसकी स्लीव देखिए, एल्बो तक इसकी स्लीव है, इसकी भी क्वालिटी अच्छी है। ये आई थिंक अंडर 500 की है, 536 86 ऐसे ही कुछ है, एग्जैक्ट मुझे याद नहीं, मैं यहाँ पे दे दूँगी प्राइस इसकी। ये देखिए साथ में यहाँ पे आपको मिल जाता है इस तरह से हैंकी शेप में, अलग से फैब्रिक अटैच है, जो कि आप यहाँ पे एक साइड में आपको आ जाता है। साथ ही साथ ये जो बेल्ट मिली हुई है, ये जो ऐसे है अलग से, तो फिर आप जब इस बेल्ट के साथ इसे यहाँ पे वेस्ट पे टाई करेंगी तो अच्छा सा यहाँ सा प्यारा सा ऐसे एक साइड पे प्रिंटेड लुक आता है और दूसरी तरफ ऐसे प्लेन लुक आता है, तो बहुत प्यारा लग रहा था ये। ट्राई ऑन में लगाऊंगी तो आप देखिएगा, बहुत प्यारा लगा मुझे। इसकी लेंथ वगैरह भी काफ़ी अच्छी है और प्राइस भी इसकी अच्छी है, तो अगर आप एक तरह से थोड़ा अलग यूनिक हटके थोड़ा लेना चाहते हैं तो ये वाला आप ट्राई कर सकती हैं, ये बिल्कुल अलग सा लगता है। तो मेरी तरफ से तो ये भी रिकमेंडेड है, इसमें भी किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं है, फैब्रिक वगैरह भी अच्छी है इसकी और क्वालिटी भी अच्छी लगी मुझे, तो आप इसे लेना चाहें तो एक बार से ज़रूर ट्राई कर सकती हैं। इसके बाद है मेरे पास एक और ड्रेस जो कि है प्रिंटेड, बहुत प्यारा लगा मुझे ये। इस पर जो फ्लावर्स, बड़े बड़े फ्लावर्स के प्रिंट है, वो मुझे काफ़ी अच्छे लगे। ये देखिए आपको भी बहुत प्यारा है लगेगा। ये भी कॉलर है इसमें, इसके नेक कॉलर नेक है और ये पूरा फ्रंट पे ऊपर से नीचे तक आपको ऐसे बटन मिल जाता है, ओपनेबल बटन है, आप जहाँ तक इसे ओपन करके पहनना चाहें नी तक या वैसे पहन सकती हैं। और इसके साथ भी मुझे ये बेल्ट मिली है सेम फैब्रिक की,
तो इस तरह की ये बेल्ट है, तो आप इसे लगाना चाहें तो साथ में वेस्ट पे आप इसे टाई करके पहनेंगी तो और ज़्यादा प्यारा लुक लगेगा इसका। मुझे बहुत अच्छा लगा, ये भी अंडर 500 की है, 450 या 460 के नियर अबाउट की है, तो प्राइस वाइज भी मुझे बहुत पसंद आया और इसकी जो क्वालिटी है वो भी मुझे अच्छी लगी और प्रिंट और इसका लुक बहुत प्यारा लगा मुझे। तो मेरी तरफ से ये तीनों ही ड्रेसेस मेरी तरफ से आपको रिकमेंडेड हैं, आपको जो भी लेना चाहे आप आंख बंद करके ले सकते हैं, बहुत प्यारा है ये और पहनने पे भी बहुत प्यारा लग रहा था। तो आज बस इतना ही था, अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।